तो गाइस आप बताइए कौन हो सकता है हमारे एडवर्ट सर हैं। क्या क्या है गोमती नगर देखेंगे हम, मतलब बहुत सारी चीजें देखेंगे, पर अभी तो फिलहाल अपन होटल चल रहे हैं। अभी हम होटल चल रहे हैं, फ्रेश हो। हर ट्रेन में कम से कम कुछ कोच बढ़ा दें तो कम से कम इस तरह से यात्रा तो नहीं करेंगे लोग। ट्रेनें बढ़ा रहे हैं पर कोच नहीं। ये मैं निकल रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। बाय अराउंड। बाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डेविड है और मैं आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के बाद एक और यात्रा के लिए मैं तैयार हो चुका हूं और मैं निकल रहा हूं लखनऊ के लिए। अभी पैदल पैदल जाऊंगा, ऑटो पकड़ूंगा, फिर पहुंचूंगा रेलवे स्टेशन। और मेरे साथ एक भाई और जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं, तो वीडियो बने रहना, शुरू में लाइक कर देना, हमारी इस यात्रा को इंजॉय करना। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारे अंकित भाई आ चुके हैं और हमारी ट्रेन लग चुकी है। हम लोग जा रहे हैं, दौड़ लो आगे ट्रेन को पकड़ने। चलो भैया, गाड़ी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये गाड़ी हमारी बरौनी जो हमको लेके जाएगी लखनऊ। दोस्तों गर्मी है ना, धूप में मजा आएगा। पापड़ बनेंगे अपने, पापड़ बनेंगे गाड़ी में, पापड़ जी हाँ भाइयों। बरौनी बरौनी में जाओ, जाके मरौनी। फाइनली हमने सीट पर प्रस्थान कर दिया और हमारे अंकित भाई यहाँ बैठे हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंडियन ट्रेवल पीडिया के नाम से इनका चैनल। 12:05 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है दोस्तों। देखिए भाई साहब, पूरी ट्रेन फुल है और जितने टिकट नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे यात्री हैं, सब वेटिंग में है। ये हाल चल रहा है अभी, पूरी ट्रेन लवा लवा फुल की फुल है। अब अंकित भाई के पास जा रहे हैं क्योंकि मेरी सीट पीछे की तरफ थी, अंकित आगे बैठे हैं। कहाँ गया भाई? क्या हाल है? सीट से ज़्यादा भाई साहब पैसेंजर है गाड़ी में। स्लीपर अंगई जर्नल को यहाँ लेकर चलते हैं। और यहाँ देखिए भाई साहब, गवर्नमेंट को कोच बढ़ाने चाहिए, जनता इस तरह से सफ़र करती है ना पैसा देने के बाद भी। देखो ये हाल है, जितने टिकट कंफर्म नहीं है उससे ज़्यादा वेटिंग में है। हर ट्रेन में कम से कम कुछ कोच बढ़ा दें तो कम से कम इस तरह से यात्रा तो नहीं करेंगे लोग। आ गई भाई। इस सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है और क्या ही बताएं मतलब। और अभी हम लोग पहुँचे हैं कालपी नाम का एक रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताऊँ, रेलवे स्टेशन पे कोई भी आपको सामान बेचते हुए नज़र नहीं आएगा, कारण यहाँ पे बंदर। इस तरफ देखिए कितने सारे बंदर हैं। ये देखिए कैसे आतंक मचा रहे हैं, ये पूरे ट्रेन वालों को परेशान कर रहे हैं। कभी उस खिड़की पे नाच रहे हैं, कभी इस खिड़की पे नाच रहे हैं। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, वो देखिए छोटा चाला ये तो लागे जा रहा है। बहुत सारे बंदर हैं इधर पे। ओए ओए ओए, डरा रहा है मेरे। ट्रेन से निकल के थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया हूँ, हाथ पैर सीधे करने अपने। और अभी ट्रेन पहुंची है कानपुर दोस्तों, और बढ़िया रहा यहाँ तक का सफर। अभी तक ट्रेन सही चल रही है पर कानपुर में काफी देर से रुकी है यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकल के पहुंचेंगे अपन लखनऊ। और रास्ते भर इतना मस्त मौसम रहा कि मतलब गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, हल्की फुल्की थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अपनी ग्वालियर में। तो कुछ इस तरह का दिखता है, ये कुछ काउंटर्स लगे हैं यहाँ पे, फ्रेश आपके सामने बना रहे हैं मस्त अंडा ब्रेड। ग्वालियर से नाश्ता वास्ता करके हम लोग अच्छे से चले थे, और झांसी में थोड़ा सा हमने खाना खाया था जो छोले भटूरे थे वहाँ के, काफ़ी बढ़िया लगे हमें। और तब से अभी तक कुछ नहीं खाया है और भूख भी नहीं लग रही है, अब सीधा खाएंगे हम लोग लखनऊ में। चलिए सिग्नल हो चुका है, अब मिलते हैं सीधा लखनऊ में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग लखनऊ, और ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन देखने को मिला है। क्या बढ़िया लग रहा है यार, साफ सफाई सब कुछ मस्त। और अभी टाइम हो रहा है 10, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट थी, इसको पहुंचाना था हमें 8:30 पर, और ये पहुँचा रही है हमें 10 बजे। चलिए बाहर निकलते हैं और सबसे पहले तो होटल खोजते हैं, फिर आगे की अपडेट देंगे आपको।
तो जय भाई नवाबों का शहर लखनऊ का रेलवे स्टेशन कितना शानदार लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है अलादीन का महल हो। तो भाइयों लखनऊ शहर का जो रेलवे स्टेशन से हमारा स्वागत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का रेलवे स्टेशन बाहर की तरफ से, और तो सोचो शहर कितना खूबसूरत होगा, क्या लग रहा था, ये एक नंबर। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आप बताइए कौन हो सकता है हमारे एडवर्ड सर हैं ये लखनऊ में ही रहते हैं, छुट्टियों में यहाँ आए हैं और ग्वालियर में जॉब करते हैं, तो ये हमें घुमाएंगे लखनऊ। तो कल टुमारो वी विल सी द समथिंग न्यू, यस सब स्पेशल गोमती नगर, वी विल सी द नाइट। और क्या क्या है गोमती नगर देखेंगे हम, मतलब बहुत सारी चीजें देखेंगे, पर अभी तो फिलहाल अपन होटल चल रहे हैं, अभी हम होटल चल रहे हैं, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद कल का प्लानिंग करेंगे। कल की प्लानिंग क्या करेंगे और कल हम लोग लाल दरवाजे की प्लानिंग करेंगे। ये हमारी मेट्रो है, अच्छा ये चारबाग, हाँ ये मेट्रो की चारबाग की ये रेलवे स्टेशन है और ये आपका चारबाग का मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। ओके, ये वाला यात्रा करेंगे पहले, हाँ तो कहीं भी जाएंगे तो इससे करेंगे। गोमती नगर हम कल जाएंगे, जानेश्वर पार्क जो यहाँ का सबसे बड़ा और मशहूर पार्क है, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कल। हाँ, कल तो सबसे पहले हम जाएंगे इमाम बाड़ा, ओके, जहाँ पे गदर की शूटिंग हुई थी। क्या बात है, सनी देओल पलटा था। अच्छा, होटल हम लोगों ने कर लिया है, अभी हम खाना खाने आए थे। इस तरह के काफी सारे होटल हैं यहाँ पे और बढ़िया लजीज खाना मिलता है यहाँ पे, बहुत सस्ता है। हम लोग होटल की तरफ जाते हैं, आपको रूम टूर कराएंगे, तो उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। समय हो चुका है, एडवर्ड सर विदा ले रहे हैं हमारे, मिलता है फिर अपन सुबह, पूरा लखनऊ विजिट करना है। बाय बाय। होटल यहाँ पर है भैया, अब जा रहे हैं रूम की तरफ, और काफ़ी बढ़िया है यार ये रूम है हमारा, मात्र 400 रुपये में हम लोगों ने किया है, और ये अटैच वॉशरूम भी है हमारा। सो गाइस वीडियो एंड करने का समय हो चुका है, हम लोग सोएंगे और मिलेंगे आपको सुबह। बाय बाय।